वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या कोई आप हायर स्टडीज़ के लिए या कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या है। तो हम जितने भी हम आसपास या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको अपने ऊपर कंट्रोल कैसे है, या उसकी बॉडी जब वो सो जाता है या कोई भी काम नहीं कर रहा तब भी तो उसकी बॉडी काम कर रही है ना, तो उस चीज़ को लेके, या तो हम कोई गर्म चीज़ अगर हम मान लो छूते हैं गर्म चीज़, तो हमारे एकदम से ही होता है कि हाथ हम फटाफट हटा लेते हैं। अगर हमारी कंट्रोल, हमारी बॉडी पे कंट्रोल या हमारे माइंड का कंट्रोल इतना, मतलब वो इतना अच्छा काम ना करे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा कोई गर्म चीज़ छुएंगे तो। और हम ये नोटिस करें तो हमने ये देखा है कि जैसे ही हम कोई भी गर्म चीज़ छूते हैं तो वो वैसे ही हमें क्या करती है कि कंट्रोल होता है, मतलब ये सेंस आता है कि हाँ हाथ हटा लो, हम बिना कुछ भी सोचे समझे हम हटा लेते हैं। और जो ये ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में कि हाँ कितने टाइम बाद प्लांट्स रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा या ये हो गया, तो ये सब क्या है, कंट्रोल करने का ही वो है। ठीक, तो अब हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, अब हम पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं किसी भी चेंजेस को लेके इन्वायरमेंट में, जो भी हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड, अगर हम उसके लिए कोई भी चीज़ रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम बहुत सारे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करता ही है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी चेंज हो रहा है उससे कुछ ना कुछ। तो जो भी चेंजेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में टू विच द ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या बोलते हैं हम, स्टिमुली। जैसे कि हम किस किस पे रिएक्ट करते हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस पे रिएक्ट करता है, वो लाइट हो सकती है या हीट के लिए रिएक्शन हो सकता है, कोल्ड के लिए, साउंड के लिए, स्मेल के लिए और टच के लिए भी हो सकता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के लिए, बट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड दोनों ही करेंगे। एनिमल क्या करेगा, अब मान लो कोई भी हमें बाहर ठंड हो रही है तो एनिमल क्या करेगा, वो या तो अगर किसी ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ उसको गर्माहट मिलेगी, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, रिएक्शन ही हुआ ठंड के ऊपर। और प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन उसमें क्या करते हैं कि अपने अपनी ग्रोथ जो है वो कम कर लेते हैं। और क्या है कि अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल्स हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे ये होता है और एनिमल्स में कैसे होता है। तो पहले हम एनिमल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एनिमल्स में जो है वो दो मेन सिस्टम है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। पहला है हमारे पास नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, नर्वस टिश्यू प्रोवाइड करते हैं और मस्कुलर टिश्यू से होता है। तो नर्वस टिश्यू जो है वो मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन और नर्व सेल्स से ऑर्गेनाइज नेटवर्क की फॉर्म में नर्वस टिश्यू बनता है। और ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। और क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं नर्वस सेल या नर्व सेल या न्यूरॉन्स किस में स्पेशलाइज है, इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने में। इससे किस द्वारा करते हैं, वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा करते हैं, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब एक बॉडी के किसी एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में लेके जाने के लिए बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू ये कंडक्ट करते हैं। अब क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो है स्पेशलाइज्ड टिप होती है कुछ नर्व सेल्स के
ये टिप होती है, स्पेशलाइज टिप्स जो कि डिटेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। और ये रिसेप्टर्स जो हैं वो लोकेट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स में भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। ईयर्स में देखो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सुनने में मदद करवाते हैं, जिससे हम अच्छे से सुन पाते हैं। आईज में होता है फोटो रिसेप्टर जो हमारे लिए देखने के काम आता है। स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर को मतलब डिटेक्ट करता है, या टच को डिटेक्ट करने के लिए भी स्किन में होते हैं। नोज में क्या होते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट डिटेक्शन में काम आता है। अब क्या पढ़ना है हमें न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए। न्यूरॉन्स के पार्ट हम देख लेते हैं, और मैंने इसका डायग्राम थोड़ा सा बनाया हुआ है। क्या है कि पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स में क्या क्या आता है, डेंड्राइट आते हैं। डेंड्राइट में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं। अब देखो हम इस में फिगर में देखें तो डेंड्राइट्स क्या है, ये आउटर सरफेस को ये जो दिख रही हैं ये डेंड्राइट है। तो ये क्या है, बाहर से एनवायरनमेंट से ये इंफॉर्मेशन को लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर है सेल बॉडी। सेल बॉडी पार्ट है, सेल बॉडी में क्या है, ये इन्फॉर्मेशन जितनी इन्होंने ली है वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के मदद से ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। एक्सॉन पार्ट होता है, एक्सॉन में क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का। सेल बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ये वाला, ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सेल बॉडी से टू द डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी से टू द दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। और एक होता है ये नर्व एंडिंग। ऐसे ही बहुत, ये सारा डायग्राम जो है न्यूरॉन, एक न्यूरॉन्स का, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये एंड है ना, तो ये दूसरा न्यूरॉन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ डेंड्राइट फिर इससे कनेक्ट हो रखी होगी, तो ऐसे ऐसे करके जुड़ते जुड़ते ऐसे बहुत सारा बनाते हैं, और ये पूरा नर्वस सिस्टम बनाता है। अब क्या है साइनैप्स। साइनैप्स शब्द क्या है, ये गैप है बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन्स का और डेंड्राइट, दूसरे डेंड्राइट्स के बीच में गैप जो है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो यहाँ जैसे ये है, ये एक का लास्ट का एंडिंग पार्ट है, ठीक है, और ये दूसरे वाले न्यूरॉन्स का स्टार्टिंग का डेंड्राइट्स वाला पार्ट है। तो इसके, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, गैप, इस गैप, ये गैप यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, केमिकल सिग्नल में, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए, ताकि वो आगे जाने के लिए, ये जो भी इसने फर्स्ट वाले ने जितना भी लिया है सिग्नल, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है उसके लास्ट वाले पार्ट, एंडिंग पार्ट से, और सेकंड वाले के ये जो बीच में गैप है, इस गैप में यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल से कन्वर्ट होके केमिकल सिग्नल में बन जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको, इस गैप को साइनैप्स बोलते हैं। दूसरा क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत ही क्विक होता है, सडन होता है, और एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स को हम बॉडी के, क्विक सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स के बॉडी को किसी भी स्टिमुलस से उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लें विड्रॉल, एग्जांपल क्या है कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट टच करा उसके बाद हम जो एकदम से हटाते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब जैसे मान लो कोई हमें एक चाटा मार रहा है, तो हम एकदम से उठा के, एकदम से हाथ उठ जाता है उनको मारने के लिए, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये ऐसा पाथवे जिससे नर्व इम्पल्स जो है वो पास होती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो भी जिससे नर्व इम्पल्स पास होती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब जैसे इसमें स्टिमुलस था, हीट वाला एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई भी हीट ऑब्जेक्ट को टच करा, स्टिमुलस था वो, उस किसने, रिसेप्टर ऑर्गन ने उसको रिसेप्ट इन्फॉर्मेशन लिया स्किन के थ्रू, और वो किस पे गया, सीधा स्पाइनल कॉर्ड में गया। स्पाइनल कॉर्ड से उसने क्या करा, यारो इधर को आने चाहिए,
स्पाइनल कॉर्ड से उसने कर लिया, उसके बाद वो सीधा इफेक्टर ऑर्गन्स पे गया जो कि क्या है, मसल्स, मसल्स पे गया और उसको उन्होंने रिस्पॉन्स करा। रिस्पॉन्स क्या करा, उन्होंने अपना हाथ हटा लिया उतने देर जल्दी से। इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब क्या है, रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्स जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला तो वॉलेंट्री होता है जो कि कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है फोर, इसको हम आगे डिटेल्स में वीडियो में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन। अब क्या होता है वॉलेंट्री, मतलब कि जो हम अपनी मर्जी से ऐसे रिस्पॉन्स या ऐसा एक्शन जो हम अपनी मर्जी से करते हों उसको हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। जैसे कि हमको टॉकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कभी भी हम बात कर चाहें तो हम बात कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन। तो ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं हम, जो हमारे कंट्रोल में हो उसको हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। अब इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसको, उनको कौन कंट्रोल करता है, मिड और हिंड ब्रेन, ये भी ब्रेन का पार्ट है। जैसे कि हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग हो गई, रेस्पिरेशन। अब हम हार्ट बीट को तो नहीं है ना कि आज हम दो मिनट के लिए हार्ट बीट को बोलते हैं कि हार्ट बीट हो और फिर सोचें कि अब हार्ट बीट, हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दे, तो ऐसा नहीं होएगा ना, वो हमारे बस में नहीं है। तो इसलिए वो हमारा वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़ ही लिया है कि ये इसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग, कोई भी हमने हॉट ऑब्जेक्ट टच करा उससे अपना हाथ को दूर रखना हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। अब हमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, जैसे हमने टच कर लिया हॉट ऑब्जेक्ट को हैं, या पिंच होया, किसी ने चूटी काटी, तो हमें एकदम जो है क्विकली से जल्दी से हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स करना है हमारी बॉडी को, नहीं तो अदरवाइज हमारी बॉडी को जो है वो हार्म हो जाएगा। तो उस रिस्पॉन्स को जनरेट कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड जनरेट करता है, वो एकदम से फास्ट वाला स्पाइनल कॉर्ड हमारा वो उस रिस्पॉन्स, उस टाइम रिस्पॉन्स जनरेट करता है इंस्टेड ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जगह। अब क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है कि पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट्स में हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड है, CNS एंड PNS। PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, व्हिच वन इज ब्रेन एंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, व्हिच इज कैरनल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इसके बारे में, ये हमारा क्या है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम आगे ब्रेन को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इसके आगे भी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी नीचे कमेंट उसमें बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और किसी को अगर नोट्स भी चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मेरे को वहाँ से या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें या तो कमेंट सेक्शन में करके बता दें, तो मैं आपको नोट्स भी सिर्फ साइंस से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड मैं आपको नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। तो आप होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।